नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका अपना उत्तराखंड में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी देश और प्रदेशवासियों को विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर शुभकामनाएं दी हैं। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड टूरिज्म को आगे बढ़ाने की बात की और साथ ही उत्तराखंड टूरिज्म को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जा सकता है इस बारे में भी विचार विमर्श किया। सीएम ने बताया है कि उत्तराखंड में चार धाम है और उत्तराखंड पर्यटन को स्विट्जरलैंड से भी बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। आपको ये जानकारी दे दें कि कर्णप्रयाग रेल लाइन की योजना भी तीव्र गति से चल रही है और 12 रेलवे स्टेशन का निर्माण भी किया जा चुका है, जिससे रुड़की कनेक्टिविटी दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2 घंटे में तय की जा सकेगी और साथ ही उत्तराखंड में उद्योगों के लिए कैसी नीति होगी इस पर भी विचार लगातार किया जा रहा है। तो सीएम धामी ने विश्व पर्यटन दिवस की शुभकामनाएं दी हैं और इस मौके पर उन्होंने प्रदेशवासियों को तमाम बातें कही हैं और तमाम आश्वासन भी दिए हैं। उनका कहना है कि लगातार उत्तराखंड का विकास करना है क्योंकि उत्तराखंड में चार धाम हैं। ऐसे में इसके तहत हमें और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। जो सुविधाएं तमाम उन महानगरों में होती है वही सुविधाएं हमें अपने उत्तराखंड में लेकर आनी है ताकि उत्तराखंड में जितने भी युवा हैं वो बाहर नौकरी तलाशने ना जाए, उन्हें अपने प्रदेश में ही ऐसी सहूलियत मिल सके ताकि वो अपने परिवार को छोड़ने पर मजबूर ना हो और सालों साल अपने परिवार से दूर ना रहें। तो सीएम धामी ने विश्व पर्यटन दिवस की शुभकामनाएं दी, साथ ही साथ कहा है कि हमें उत्तराखंड को स्विट्जरलैंड की तर्ज पर बनाना है और उसे भी बेहतर और खूबसूरत दिखाना है। देखिए प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से उत्तराखंड के लोग और उत्तराखंड से जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी का जुड़ाव है, एक भावनात्मक उनका लगाव है और जल्दी उनका दौरा प्रस्तावित है क्योंकि पिछले कोरोना महामारी के कारण से आ नहीं पाए, तो जल्दी ही आएंगे और निश्चित रूप से जब भी आएंगे तो उत्तराखंड को तो वैसे ही जो है हमेशा उन्होंने इतना काम किया है कि उन्होंने भविष्य थी और आगे भी हमारी सब इच्छाएं। आज विश्व पर्यटन दिवस को हम मना रहे हैं, ये हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। चार धाम यात्रा चालू हो गई है और हम चाहते हैं कि एडवेंचर स्पोर्ट्स के अंदर और एडवेंचर टूरिज्म के अंदर आगे बढ़ें, एक्सेल करें और चार धाम के अंदर जो हमारा इकोनॉमिक लॉस हुआ है उसको विंटर टूरिज्म से हम उसको पूरा करें और विंटर टूरिज्म को हम काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग और ट्रैकिंग जो है इस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। पौड़ी गढ़वाल के सतपुली में सिख चिकित्सालय में निरीक्षण करने पहुंचे पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है। दरअसल पर्यटन मंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र सतपुली में अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे थे जहां वो डॉक्टर्स को डांट फटकार लगाते हुए नजर आए, लेकिन महाराज का दाव तब उल्टा पड़ गया जब लोगों की नजर महाराज के कुर्ते पर लगे कॉलर माइक पर पड़ी। इसके बाद से ही सतपाल महाराज को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है। इसके साथ ही राजनीतिक पार्टियों ने भी महाराज के इस वीडियो स्टंट पर जमकर हमला बोल दिया। पौड़ी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रामेश्वर राणा का कहना है कि 4.5 साल महाराज ने जनता से अपनी दूरी बना रखी, जनता का हाल भी नहीं जानना चाहा और अब कर्मचारियों को परेशान कर जनता के बीच नौटंकी करने का काम कर रहे हैं। वहीं यूकेडी के जिलाध्यक्ष चंद्रमोहन गुसाई ने कहा कि जब कोरोना काल में जनता परेशान थी तो चौबट्टा खाल विधानसभा के लोग अपने विधायक की राह तकते तकते थक गए और अब वो जनता के बीच पहुंचकर नौटंकी करने का काम कर रहे हैं। तो पौड़ी पहुंचे पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज सोशल मीडिया पर ट्रोल हुए हैं और ये वीडियो जो है वो भी सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। दरअसल जब वो डॉक्टर्स को डांट फटकार लगा रहे थे तभी उनके कॉलर पर जो उन्होंने कुर्ता पहना हुआ था वो माइक लोगों को दिखाई पड़ा, जिसको लेकर लोगों का कहना है और साथ ही साथ विपक्ष का ये कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक स्टंट है। जब लोगों को, आम जनता को इनकी जरूरत थी तब ये अपनी विधानसभा में मौजूद नहीं थे, ना ही लोगों का ध्यान रख रहे थे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल सोमवार को जिला मुख्यालय गोपेश्वर में स्थित जिला चिकित्सालय में भर्ती प्रवीण काशी से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने आंदोलनकारी प्रवीण काशी को जूस पिलाकर उनका आमरण अनशन तुड़वाया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने प्रवीण काशी से कहा कि गणेश स्व आपके पास आए हैं,
तो कुछ अच्छा ही होगा। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि वे प्रवीण की जमानत देकर उन्हें जेल से छुड़वाएंगे और अगर उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार आई तो राज्य में आंदोलनकारियों के मुकदमे वापस भी लिए जाएंगे। बता दें कि साल 2018 में गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित करने की मांग पर चले आंदोलन के दौरान 38 आंदोलनकारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए गए थे, जिसके चलते 14 सितंबर को कर्णप्रयाग के न्यायालय में प्रवीण काशी ने आत्मसमर्पण किया था और 19 सितंबर को उन्होंने पुरसाड़ी जेल के बैरक में ही गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित करने की मांग पर आमरण अनशन शुरू कर दिया था। 20 सितंबर को तबियत बिगड़ने पर जेल प्रशासन द्वारा उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था। तब से प्रवीण काशी जिला अस्पताल में भी आमरण अनशन कर रहे थे। चमोली की तस्वीरें, जिला अस्पताल पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और यहां प्रवीण काशी से उन्होंने मुलाकात की है और उनका आमरण अनशन तुड़वाया है। दरअसल आंदोलनकारियों को लेकर उन्होंने बात कही है। उनका कहना है कि जितने भी आंदोलनकारी हैं जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं वो मुकदमे वापस लिए जाएंगे अगर कांग्रेस की सरकार 2022 में आती है तो। उन विधानसभा क्षेत्रों के हित में है, प्रदेश के हित में होगा और उनका अगर कोई विचार आता है सामने तो उसका निर्णय किया जाएगा। हमारा शीर्षस्थ नेतृत्व तक की बात जाएगी। मैं अकेला व्यक्ति नहीं हूं कि मैं इस पर निर्णय करूंगा। हमारे यहां से लेकर और हाईकमान तक के लोग इस पर विचार करेंगे तब अभी निर्णय लेंगे। अभी ये कोई बात प्रोसेस में नहीं है। आप अभी जो है आपके पूर्व अध्यक्ष और आप अपने शीर्ष नेतृत्व से मिलकर दिल्ली आने की बात एक आई थी और उसके अलावा इससे जुड़ा हुआ एक सवाल ये भी है कि जो यशपाल आ रहे हैं उनकी उनको लेकर के चर्चा चल रही है कि उनकी भी घर वापसी हो सकती है, तो अभी मुख्यमंत्री भी उससे मैं तो समझता हूं कि इस प्रकरण पर भाजपा स्वयं अपने लोगों पर संदेह व्यक्त करती है। हमने तो कभी ऐसी बात कही नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यदि स्वयं संदेह व्यक्त कर रही है तो इसका अर्थ यह है कि भारतीय जनता पार्टी से उस पार्टी के अपने नेताओं से संबंध ठीक ठाक नहीं है और जब संबंध ठीक ठाक नहीं होंगे तो शक जाहिर कर रहे हैं। हमने इस पर कुछ नहीं कहा। कभी दुष्यंत जी के बयान पे क्या कहेंगे आप? मैंने कहा कि घोर ऐसा बयान है कि जिसकी घोर निंदा की जानी चाहिए, फजूल और बेहयाई की चरम सीमा इसको कहूंगा। मैं समझता हूं कि फोड़ता की हद नाम नहीं होना है। इस प्रकार के भावना ये व्यक्त करती है, ये इनकी भावना ये व्यक्त करती है कि ये तोड़ने में विश्वास रखते हैं और ये देश के न तो देश के हित में है और इस प्रदेश के। हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र के डालूवाला टीरा इलाके में महाड़ी के पास ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से एक बाइक सवार की मौके पर ही जान चली गई। जानकारी के मुताबिक थाना सिडकुल क्षेत्र स्थित रावली महदूद निवासी 35 वर्षीय जॉनी मोटरसाइकिल से अपनी ससुराल से वापस अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान डालूवाला टीरा रोड पर महाड़ी के पास ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से जॉनी गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं मौके पर मौजूदा लोगों ने घायल युवक को अस्पताल ले जाने की कोशिश की पर तब तक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं युवक की मौत हो जाने पर मौके पर भीड़ इकट्ठा होते देख ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। मामले में पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और ट्रैक्टर चालक की तलाश में जुट गई है। तो हरिद्वार का एक पूरा मामला जहां पर ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया है। दरअसल ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से बाइक सवार की मौके पर ही जान चली गई। उधम सिंह नगर में खटीमा पुरानी तहसील के सभी भवन जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं और पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। तहसील की दीवारें और छत इस कदर क्षतिग्रस्त हैं कि कभी भी धराशाही हो सकते हैं, जिससे बड़ी दुर्घटना भी घट सकती है। यहां तक कि दीवारों और छतों पर घास फूस तक उगाए हैं और परिसर में तमाम गंदगी फैली हुई है। आपको ये जानकारी दे दें कि पहले ही इस तहसील की जर्जर हालत को देखते हुए सितारगंज रोड में नई तहसील का निर्माण कार्य किया गया था, पर आज भी पुरानी तहसील में राजस्व उप निरीक्षक के कार्यालय बने हुए हैं जहां पर बड़ी संख्या में जरूरतमंद ग्रामीणों का आना जाना रहता है। ऐसे में हमेशा किसी बड़ी अनहोनी के घटने की आशंका बनी रहती है। मामले में खटीमा के तहसीलदार यूसुफ अली ने बताया कि मौजूदा समय में 26 उप राजस्व निरीक्षक क्षेत्र हैं, जिनमें से 13 उप राजस्व निरीक्षक और 2 राजस्व निरीक्षक कार्यरत हैं, जिसके कार्यालय पुरानी तहसील के भवन में ही हैं। उधम सिंह नगर का एक पूरा मामला जहां पर खंडहर में तब्दील हो चुके भवनों में भी अभी तक कामकाज चल रहा है। कभी भी कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, लेकिन इसको ध्यान शायद नहीं दिया जा रहा।
के अंतर्गत जो है वर्तमान में 26 राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र हैं, जिसमें के 13 राजस्व उपनिरीक्षक जो हैं कार्यरत हैं और 2 हमारे जो हैं राजस्व निरीक्षक हैं जो दोनों कार्यरत हैं। और ये पुरानी तहसील में जो क्वार्टर बने हुए उसमें रह रहे हैं। और जहाँ तक चीड़ चीड़ का है तो उनका जो प्रस्ताव है, हम यहाँ नई जो तहसील बनी है इसमें जो उनके आवास और कार्यालय के जो है खोलने का जो है प्रस्ताव यहाँ से भेजने की कार्रवाई की जा रही है। केदारनाथ मंदिर के ठीक सामने एक घर की दीवार पर उकेरी गई भगवान शिव की तस्वीर यात्रियों के बीच आकर्षण का केंद्र बन गई है। तस्वीर को देखकर लग रहा है कि मानो भगवान शिव यहीं पर वास करते हों, जिसे देखकर भक्त बाबा केदार के जयकारे लगा रहे हैं। दीवार के एक पूरे हिस्से में उकेरी गई ये तस्वीर उनके रंगों से सजी हुई है। यात्री जैसे ही पैदल मार्ग से यहाँ आ रहे हैं उन्हें सीधे इस तस्वीर के जरिए भगवान शिव के दर्शन हो रहे हैं। अलग रंगों से ये तस्वीरें जो हैं और ज़्यादा आकर्षित नजर आ रही हैं। तस्वीर को देखने के लिए भक्तों की भीड़ सी उमड़ पड़ी है। बता दें कि इन तस्वीरों को पूना शहर के एक भक्त नीलेश ने बनाया। इससे पहले भी वो जगह जगह भारत के धार्मिक स्थलों में अनेक देवी देवताओं की तस्वीरों को उकेर चुके हैं। उन्होंने केदारनाथ पहुंचकर निःशुल्क भक्तिभाव से इस तस्वीर को उकेरा है, तो बेहद ही खूबसूरत तस्वीर नजर आ रही है। भगवान शिव की तस्वीर आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, लोग यहाँ रुक रहे हैं, इसके साथ सेल्फियां ले रहे हैं, साथ ही साथ बाबा केदार के जयकारे लगा रहे हैं। नमस्कार, जय केदारनाथ। मैं नीलेश आर्टिस्ट पुणे से रहता हूँ और मैं स्ट्रीट आर्टिस्ट हूँ। मैंने हर जगह पे पेंटिंग्स की इंडिया में। इस साल मैं केदारनाथ में पहली बार आया हूँ, तो यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से यात्रा चल रही है। पूरी कोरोना की सेफ्टी से लेके सब इंतज़ाम लेके यहाँ के मंदिर प्रशासन ने और यहाँ के रहवासी लोगों ने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है, होटल का, रहने का, खाने का, और अभी यात्रा बहुत सफल से और अच्छी चल रही है। एक और जहां सरोवर नगरी नैनीताल का नाम पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, वहीं नैनीताल के शेरवानी सैनिक स्कूल साईं बाबा मार्ग अपनी बदहाली के आंसू रो रहे हैं। ये वो योजना है जहां पर सैकड़ों की संख्या में लोगों का आवागमन होता है। दरअसल योजना के तहत ये रोड बनाया गया था, लेकिन रोजाना यहाँ पर सैकड़ों लोग आते हैं, आवागमन करते हैं। मामले में सामाजिक कार्यकर्ता भूपेंद्र बिश ने बताया कि इस मार्ग को ठीक करने के लिए कई बार लोक निर्माण विभाग, नगर पालिका और जिला प्रशासन से शिकायत की जा चुकी है, पर अब तक किसी की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है और अब मजबूरन आंदोलन करना पड़ेगा। बता दें कि इस मार्ग से स्कूली बच्चों की भी आवाजाही लगी रहती है। ये सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। आप देख सकते हैं कि आसपास गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ऐसे में आसपास के जो लोग हैं, जो यहाँ रहते हैं, उन्होंने कई बार इसकी शिकायत की है, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। इसमें सबसे पहले जो है लोक निर्माण विभाग जो है PWD, उनको भी हमने 2-3 साल से लगातार अवगत करा रहे हैं कि क्षेत्र में जो है जो रोड संपर्क मार्ग है, गाड़ियों का आवागमन रहता है और स्कूल के बच्चे भी इसमें चलते हैं काफ़ी। ये काफ़ी जो है जीर्ण शीर्ण हालत में है और जगह जगह जो है गड्ढे हैं इसमें, और जो चैम्बर बने हुए हैं सिविल लाइन के वो भी धराशायी हो चुके हैं, और साइड में जो बरसात का पानी निकलता है, नाले हैं, उनके ऊपर जालियां पड़ी हैं, वो जालियां भी तितर बितर हो चुकी हैं, इधर उधर बिखर चुकी हैं, और इतने भयंकर वो हो गए वहाँ पे, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। और मुझे ये लग रहा है कि आला विभाग, आला अफसर जो है उस दिन का इंतज़ार कर रहा है कि जब कोई बड़ा हादसा हो जाएगा तब जाके हमारे आँख की पट्टी खुलेगी, और वो उसी दिन का इंतज़ार करने में ये लोग पब्लिक का जो है ख्याल भी नहीं रख रहे हैं। और जब कभी जन आंदोलन होगा उसके लिए क्षेत्रवासी जब मजबूर हो जाएंगे धरना देने के लिए, तब लोग ये लोग जागेंगे। प्रशासन में नहीं, ऐसा नगर पालिका विभाग है, हमने उनको भी क्या अवगत कराया, वो हवाला देते हैं लोक निर्माण विभाग का, कहते हैं कि ये लोक निर्माण विभाग जो है इस रोड को बनाएगा, और लोक निर्माण विभाग से जब हम कहते हैं तो वो कहते हैं नगर पालिका इसको बनाएगी, लेकिन वहाँ पर क्या है कि नाली भी साइड में है, उसका पानी जब उसमें पूरा मिट्टी पत्थर भर जाता है, उसका पानी जो है सड़क पर आ जाता है, और सड़क में आने से आवागमन भी बाधित होता है, राहगीर भी परेशान होते हैं, और जो ट्रैफिक उसमें है, होटल काफ़ी उसमें, जैसे बड़े बड़े होटल हैं, वो होटल वाले भी जो है उनका दबदबा भी काफ़ी रहता है, जिससे जो है वहाँ का आम जनमानस, जो क्षेत्रवासी जो है वो काफी प्रभावित होता है उस चीज से।
इतनी बार उन्होंने प्रशासन से की है, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। भू भैकुंठ धाम बद्रीनाथ में विश्व जन कल्याण के साथ वैश्विक महामारी कोरोना को खत्म करने के प्रयास में जोशी मठ पेनखंडा के ग्राम बड़ा गांव के निवासी और समाज सेवी मीना भंडारी पतियाल ने पूरे उत्तराखंड प्रदेश की तरफ से हवन यज्ञ का आयोजन किया। आपको ये बता दें कि इस दौरान उन्होंने भगवान बद्री विशाल से प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। साथ ही उन्होंने देश की कोरोना महामारी से मुक्त हो जाने की भी कामना की। बद्रीनाथ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देश प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए यहाँ पर हवन पूजन किया जा रहा है। भू बैकुंठ धाम बद्रीनाथ में हवन यज्ञ किया गया और जो यहाँ पर हवन में लोग बैठे हुए थे उन्होंने कोरोना महामारी जल्द खत्म हो इसको लेकर भगवान बद्रीनाथ से प्रार्थना की है। साथ ही साथ उनका ये कहना है कि हवन यज्ञ करने से आसपास का वातावरण भी शुद्ध होगा, साथ ही साथ जो यात्री यहाँ पर पहुँच रहे हैं वो भी इसका आनंद ले पाएंगे और वो भगवान की भक्ति में लीन रह सकेंगे। इसके अलावा जो महामारी लगातार कोरोना की बढ़ रही है और अब तक शून्य आंकड़े नहीं हो पाए हैं इसको लेकर भी वो लगातार भगवान बद्रीनाथ से ये कामना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कोरोना महामारी का अंत हो ताकि जैसे जीवन पहले चल रहा था 2 साल पहले वैसे ही जीवन वापस पटरी पर लौटता हुआ नजर आए। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि इन दिनों कोरोना काल की वजह से तमाम धार्मिक स्थल या मंदिर ऐसे हैं जहां पर ज्यादा संख्या में श्रद्धालु नहीं पहुंच सकते, तो ऐसे में जो इक्का दुक्का श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वो हवन यज्ञ करा रहे हैं, साथ ही साथ आसपास का वातावरण शुद्ध हो अच्छा हो इसको लेकर भी कामना कर रहे हैं। देहरादून के डोईवाला नगर पालिका द्वारा कचरा अलग करो अमृत दिवस मनाया गया, जिसमें स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा कचरा अलग करो जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा घर घर जाकर कूड़े को अलग करने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। नगर पालिका अध्यक्ष सुमित्रा मनवाल ने इस पूरे आयोजन का समर्थन करते हुए बताया कि कैसे इस तरह के आयोजन से लोगों में जागरूकता फैलती है। वही सफाई निरीक्षक सचिन रावत ने भी इस आयोजन का समर्थन किया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से कचरा अलग हो उसको लेकर जागरूकता फैलाई जा रही है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये रैली निकाली गई। आप देख सकते हैं कि ये हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर महिलाएं और कुछ पुरुष भी इसमें शामिल हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जन जागरूकता रैलियां यहां पर निकाली जा रही हैं, महिलाएं घर घर तक जा रही हैं। नगर पालिका अध्यक्ष सुमित्रा मनवाल ने इसका समर्थन भी किया है। तो आप देख सकते हैं कि आसपास के इलाके को किस तरह से स्वच्छ बनाने के लिए ये तमाम तैयारियां तमाम योजनाएं जो हैं इन पर पूरा अमृत दिवस के नाम से एक पूरा प्रोग्राम रखा गया और एक रैली निकाली गई, एक जागरूकता अभियान चलाया गया है। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी की एक पहल थी कि स्वच्छ भारत बनाने, उसी के अंतर्गत आज नगर पालिका के द्वारा महिला शक्ति जो हमारी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं उनके सहयोग से और नगर पालिका डोहरा के सहयोग से आज हम क्षेत्र में लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं कि कूड़ा निस्तारण के लिए हेतु जो सड़कों पर हम लोग अनायासी कूड़ा फेंक देते हैं उसके संदर्भ में हम लोग यहाँ पर लोगों को जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है कि स्वच्छ भारत स्वच्छ डोहरा स्वच्छ देहरादून के अंतर्गत स्वच्छ उत्तराखंड हमारा रहे। शासन के आदेशों के क्रम में कचरा अलग करो अमृत दिवस के रूप में मनाए जाने के निर्देश प्राप्त हुए थे, जिसके क्रम में आज हम लोग मातृशक्ति और स्वयं सहायता समूह की मदद से घर घर जाकर वार्ड में जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि कचरा अलग कर के दो ताकि जितना कम से कम कूड़ा हम जनरेट कर पाएं उतना हमारे लिए पर्यावरण के लिए अच्छा हो सके। तो उसी के क्रम में आज कचरा अलग करो अमृत दिवस में ये काफ़ी मातृशक्ति हम लोगों के साथ जुड़ी है और इनका सहयोग हम लोगों को निरंतर प्राप्त हो रहा है। हरिद्वार के कनखल स्थित अखाड़े में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में महंत जसविंदर सिंह महाराजा ने पंजाब सरकार और पुलिस प्रशासन से निर्मल अखाड़े से संबंधित जलंधर स्थित निर्मल कुटिया के महंत गुरविंदर सिंह महाराज को सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने की मांग की है। वहीं महंत जसविंदर सिंह महाराज ने बताया कि जलंधर के हजारा ग्राम में निर्मल कुटिया समाधि मंदिर गंग भवन तपस्थान संत गंगा सिंह महाराज निर्मल संप्रदाय का स्थान है और निर्मल अखाड़े से संबंधित है, जहां महंत गुरविंदर सिंह महाराज अखाड़े की परंपराओं का निर्वहन करते हुए भलीभांति उसका संचालन भी हो रहा है, पर कुछ असामाजिक लोग उस स्थान पर लंगर चलाने के माध्यम से कब्जा करना चाहते हैं, जिसके चलते महंत को सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग भी लगातार जोर पकड़ रही है।
केदारनाथ धाम आने वाले यात्रियों के लिए पास की बाध्यता को समाप्त करने और केदारनाथ धाम की यात्रा को पूरी तरह से खोलने को लेकर केदारनाथ धाम सहित संपूर्ण केदार घाटी के बाजार बंद रहे। इसके साथ ही केदार घाटी की जनता ने केदारनाथ यात्रा पड़ाव पर जगह जगह प्रदर्शन किया। वहीं इस दौरान केदारनाथ यात्रा पड़ाव के सभी बाजारों के बंद रहने के कारण यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है। देखिए, होटल एसोसिएशन के बैनर तले आज पूरे कुंड से और गौरीकुंड के बीच में जितने भी व्यापारिक प्रतिष्ठान थे वो हमने बंद कर दिए हैं। एक दिन का जो एक आंदोलन था हमारा सरकार के विरोध में, वो पूर्ण तो सफल होता दिख रहा है। हालांकि इस दौरान तीर्थयात्रियों को थोड़ा बहुत परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। देखिए, हमारी जो लड़ाई है वो सिर्फ ई पास को लेकर और जो तीर्थयात्रियों की संख्या में भारी कमी है उसको लेकर है। हमें पता है कि कोरोना काल चल रहा है और हाई कोर्ट के जो निर्देश है उनका अनुपालन सरकार कर रही है, उसके बावजूद भी कम से कम जो ई पास की बाध्यता सरकार के एसओपी में है उसका तत्काल प्रभाव से ये ई पास की जो बाध्यता है उसको खत्म किया जाना चाहिए। और दूसरा, जो सिर्फ 800 के तीर्थयात्री जो इन लोगों ने जो है संख्या नियत की है उसमें इजाफा होना चाहिए। 2000 या 3000 करीब जो है तीर्थयात्रियों का आगमन केदार घाटी और केदारनाथ में होना चाहिए, तभी जाके थोड़ा वो जो व्यापारिक हमारे बंधु हैं उनके जो मुख पे गत 2 वर्षों से जो उदासी छाई हुई है तो प्रसन्नता में तब्दील होगा, अन्यथा हम सरकार के विरुद्ध बृहद आंदोलन छेड़ने को बाध्य हो जाएंगे। और 2 दिन से रुका हुआ इसके कारण यहाँ पे बराबर अन्न प्रदर्शन में किसी प्रकार कोई असुविधा नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ सुबह से न खाना है न पीना है, किसी हर चीज़ की दिक्कत है, बच्चे सब परेशान हो रहे हैं। मैंने जब दरवाजे से बात करने की कोशिश की तो एक सिपाही ने पहले मुझे धक्का देने की कोशिश करी, 2-3 में धक्का दिया। मैंने कहा क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो? मैंने इस विषय में दरवाजे से बात करने की कोशिश करी तो बोले यहीं पटक्के मारूंगा तुम्हें, रखकर क्या लोगे। केदारधाम होटल एसोसिएशन के बैनर के लिए सभी केदार घाटी के व्यवसायियों द्वारा ई पास के विरोध में यहां पर जो बड़ा आंदोलन किया गया है, ये सभी व्यवसायियों की एक ही मांग है कि ई पास की बाध्यता को समाप्त किया जाए और यहां घाटी के सभी घोड़ा कच्चा संचालक, होटल व्यवसायी, रेस्टोरेंट व्यवसायी सभी को उनका रोजगार फिर से वापस दिया जाए। आज हम लोगों का यहाँ पर समस्त व्यापार संघ की ओर से जो बंद का आह्वान किया गया था उसको पूर्ण समर्थन दिया गया। तीर्थ कोई समाज की ओर से हम सब लोगों ने ई पास की इस व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए सभी लोगों का सहयोग, जिन्होंने हमें ये कहा था कि आपका सहयोग हमें चाहिए ई पास को ख़त्म करने के लिए और यात्री संख्या को बढ़ाने के लिए, तो इसी उसमें हमने जो है आज इस बंद का पूर्ण समर्थन किया है, उसी को सहयोग किया है व्यापार संघ का। आज उत्तराखंड में जो व्यापारियों का जो ये बंद का आह्वान था समस्त तीर्थपतियों ने, हमने अपना उनको समर्थन व्यापारी को दिया है। जब जब भी व्यापारी को आवश्यकता पड़ेगी तीर्थपुर समाज हमेशा उनका साथ देगा और साथ ही देवस्थान के बोर्ड के विरोध में हमारा जो है ये कन्वेंशन जारी रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय बाबा केदार। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।